सॉरी जैसे शब्द की आजकल क्या वैल्यू है। सॉरी एक इतना कॉमन शब्द बन गया है कि छोटी छोटी चीज़ों पे लोग उसका यूज़ करते हैं। सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर उस सॉरी को फील किया जाए, महसूस करके बोला जाए, उसकी वैल्यू तब है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को सॉरी बोलते हैं? डेफिनेटली बोलते ही होंगे, लेकिन क्या कभी खुद से सॉरी बोला है आपने? अब आप लोग सोचेंगे खुद से क्यों सॉरी बोलना, क्योंकि हम तो खुद के लिए तो हम अच्छा ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं, कितनी ही बातें हैं, उन बातों के लिए, उन चीज़ों के लिए आपको खुद को सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि आपको किन बातों के लिए खुद से सॉरी बोलना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं ना, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, किसी के भी। उसने क्या पहना है, कैसे खा रहा है, कैसे वो चल रहा है, कैसे गिर रहा है, कैसे उठ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए उसको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम समाज में ढलने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमारा परिवार में ढलने की कोशिश करते हैं, उसके बाद समाज में एंटर करते हैं तो समाज के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करते हैं। मतलब हम खुद को अलग अलग रंगों में, अलग अलग रूपों में ढालने की कोशिश करते हैं। आपने सोचा है कि जब एक छोटा बच्चा है और जब वो थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसका एग्ज़ाम दिया उसने किसी एक क्लास का और उसका रिज़ल्ट आने वाला है। जब उसका रिज़ल्ट आने वाला है तो वो अपने पेरेंट्स के फेस की तरफ देखता है कि मेरे रिज़ल्ट का मेरे पेरेंट पे क्या असर होने वाला है। अगर मेरा रिज़ल्ट अच्छा है तो मेरे पेरेंट्स के एक्सप्रेशन कैसे होंगे, अगर थोड़ा रिज़ल्ट गड़बड़ है तो उसका भी मेरे पेरेंट्स पे कैसा एक्सप्रेशन होगा, क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में। जब एक इतना छोटा बच्चा इतना सोच रहा है तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये चीज़ और स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमें उनके अकॉर्डिंग ये करना चाहिए, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। इस चीज़ के चक्कर में, दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को ढालने के चक्कर में, हम खुद के साथ इतना कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उन्हीं चीज़ों के लिए मैं बोल रही हूँ आपको कि आपको खुद को सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी ये नहीं कि आप ऐसे ही करके सॉरी बोल दें, इस सॉरी के लिए भी आपको एक बात बताती हूँ मैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, और आप देखेंगे कि उस चीज़ से आपका जो माइंड है, जो मैं जानती हूँ कि मेरी ही तरह आपका भी माइंड रेस्टलेस होगा, और कहीं ना कहीं उसका जो रूट कॉज होता है वो ये है कि हम दूसरों की नज़रों में खुद को सही और अच्छा साबित करने के लिए खुद के ही साथ, अपने ही साथ इतनी जाति कर रहे होते हैं, और उसके लिए हमें एक सॉरी तो बनता है, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक पेन और पेपर लीजिए और बिल्कुल खुद को शांत करके बैठिए और उस पेन से डियर सेल्फ के नाम एक लेटर लिखिए। जैसे आप उसको लिखना शुरू करेंगे, आप हो सकता है बहुत इमोशनल हो जाए, कई बार इंसान रोने भी लग जाता है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। हो सकता है कि आप रोने लग जाएं। आपने हर वो बात याद करनी है जब कहीं ना कहीं आप खुद के लिए बहुत कठोर हो गए, खुद के लिए आप नहीं ना चाहते हुए आपने वो सब किया जो आप खुद नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने किया।
आपको क्या लगता है, गलती आपने की और सज़ा किसी और को मिलेगी? अब आपने ही खुद को तकलीफ़ दी है तो आप ही उसके लिए खुद को सॉरी बोलेंगे, और आपको बोलना चाहिए। आप ये करके देखिए और पूरा जो आपके मन में आता है, जो कुछ भी आपको याद आता है, हर वो चीज़ पेपर पे लिखिए और उसके लिए खुद को अंतर तक सॉरी बोलिए, पूरा फील करके, सिर्फ कहने के लिए नहीं। खुद से माफ़ी मांगिए उन कामों के लिए जो आप नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने अपने आप से वो करवाए हैं किसी भी कारण से, जबकि आप उसको टाल भी सकते थे, लेकिन फिर भी आपने किए हैं। तो बोलिए खुद को सॉरी, माफ़ी मांगिए खुद से और माफ़ कीजिए खुद को। ये चीज़ आपके अंतर मन को बिल्कुल साफ़ कर देगी, आपके आने वाले जीवन को शानदार और खुशनुमा बना देगी। आप खुश रह पाएंगे। एक बार कोशिश करके देखिए, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, करके देखिए ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये बात पसंद आई होगी। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस लाती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ इस तरह की वीडियोस बनाऊँ जो मेरे रियल लाइफ से रिलेट कर पा रही हूँ, आप भी समझ पाएँ, आपके जीवन में वो बातें कुछ बदलाव ला पाएँ जैसे कि मेरे जीवन में लेके आई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस पसंद आए हैं। अगर पसंद आए हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कुछ भी महसूस किया है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।